हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। कैसे हो बचा पार्टी? आई होप दैट वी आर लाइव। जल्दी से फटाफट से बचा पार्टी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, अटेंडेंस लगा दो, यहां पर हम लोग लाइव आ चुके हैं या नहीं। कम ऑन एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी न्यू चैप्टर जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। सीरियसली बता रहा हूँ, बच्चा पार्टी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, पता नहीं क्यों, बट हाँ एक खौफ होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का कि यार ये जो चैप्टर है ना, यहाँ पर 252 डेफिनेशन से कैसे होगा, क्या करेंगे, हाउ शुड वी डू इट। बट लेट मी टेल यू, ज्यादा टेंशन लेने की बात आप लोगों को है नहीं। मैं यहाँ पर हूँ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हर एक चीज को हम लोग एकदम अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली करने वाले हैं, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेने का। सर दो शेड्यूल है, एक सेकेंड मुझे देखने दीजिए, एक सेकेंड। हाँ बेटा, दो लेक्चर शेड्यूल है, बिल्कुल सही कहा है। और मैं अपने टीम से कह देता हूँ कि इस सेशन को ना कल के लिए कर दो, ठीक है, अदरवाइज बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एक ही मिनट देना मुझे, आई विल डू इट। हमारी टीम बहुत फास्ट है बेटा, बहुत फास्ट है, ठीक है। ओके चलिए, सो यहां पर हम लोग आ चुके हमारे ओरिजिनल वाले लेक्चर पर लाइव अगेन, ठीक है। बच्चा पार्टी तुम कंफ्यूज ना होना, ठीक है, और सारे बच्चों को कह भी देना कि भैया यहीं पर लाइव है, ठीक है। ओके गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो बचा पार्टी चैप्टर नंबर 6 बीसीके का आज फाइनली हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस चैप्टर को चार टुकड़ों में डिवाइड किया गया है। कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, मतलब यहाँ पर डेफिनेशन से बिजनेस की टर्मिनोलॉजीज को हम लोग समझने वाले हैं। आई वॉज पर्सनली सो हैप्पी व्हेन दिस चैप्टर वॉज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन आई गॉन थ्रू दिस चैप्टर। पहले मेरे को झटका लगा, पहले मेरे को लगा कि क्या है ये, फिर बाद में मैंने कॉन्टेक्स्ट देखा, फिर मेरे को लगा कि यार सही में बहुत अच्छा चीज किया है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करवाकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज को यूज किया गया है जिसका मतलब तुम लोग को डायरेक्टली या तो इंटर में पता चलता है या फिर फाइनल में पता चलता है। एंड मुझे ऐसा लगता है एज अ फाइनेंस पर्सन हम लोग को ये सारी चीजें अभी से पता होनी चाहिए, बिकॉज वी गो थ्रू दिस टर्मिनोलॉजीज वेरी ऑन एंड ऑफ, और वी शुड एक्चुअली हैव सम नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज। एंड फॉर दैट रीजन मुझे ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगता है, और तुमको टेंशन नहीं लेने का है, बिकॉज यू डोंट हैव टू लर्न द डेफिनेशन, यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स हाउ दे आर वर्किंग। सो इसलिए तुमको टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग सारे टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से करेंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, धीरे 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 बिल्टअप करेंगे, बहुत मजा आएगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रहना है, इतनी ही मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ, ठीक है। क्या मैं इतनी अपेक्षा कर सकता हूं तुम लोगों से, क्या मैं इतनी अपेक्षा कर सकता हूं तुम लोगों से, इतना तो बता दो मुझे। यस सर बिल्कुल कर सकते हो, वेरी गुड। तुम लोग नहीं दे रहे हो आंसर, फटाफट से दे दो यार। जी सर यस सर। ओके पीयूष कह रहे हैं सर ये टीचिंग स्टाइल इज ऑसम, यू आर ग्रेट टीचर एंड मेंटर सर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। ठीक है तो शुरुआत करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए, लेकिन एक मिनट आप लोगों का चाहूंगा मैं, एक ही मिनट आप लोगों का चाहता हूं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं बेटा, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन अगर लेना है आप लोगों तो कैसे लेना है सब्सक्रिप्शन, क्या कैसे लेते हैं मैं आपको बता दूं। अनअकैडमी के वेबसाइट पर आना है, स्टार्ट लर्निंग पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग स्टार्ट लर्निंग पर करते हो क्लिक, यहां पर आप लोग देख सकते हो CA को यहां पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। CA को सिलेक्ट करने के बाद CA फाउंडेशन पर क्लिक करना है। As soon as you select CA foundation over here, you can check it out over here. दो टाइप के सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलेगी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और दूसरा होगा प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़, स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDFs एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलती है प्लस में। एंड यू कैन चेक इट आउट, ये सारी की सारी चीजें आपको आइकॉनिक में भी मिलेगी, लेकिन आइकॉनिक में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स एंड इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहां पर आपको करना है गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक, और जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर करते हो क्लिक, आप लोग देख सकते हो यहां पर प्लस एंड आइकॉनिक, प्लस एंड आइकॉनिक। सो गाइज लेट मी टेल यू,
ये जो प्लस है और ये जो आइकॉनिक है, यहाँ पर मैंने सारे के सारे डिटेल्स तो आपको बता दिए, लेकिन यहाँ पर देखता है डागा 10, इस कोड को आप लोग अप्लाई कीजिए, डागा 10, ठीक है, DAGA10। इस कोड को जब भी आप लोग अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 19,800 ये प्राइजेस रिड्यूस हो चुके हैं। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 14,400, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 10,800, विच इज वेरी 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 रीजनेबल। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो बेटा देखना 52,200 फॉर 24 मंथ्स, 31,500 फॉर 12 मंथ्स एंड 22,500 फॉर 6 मंथ्स ओनली। लाइट का सब्सक्रिप्शन ओनली एंड ओनली फॉर टेस्ट सीरीज होता है, यहाँ पर कोई लेक्चर्स आपको दिखेगा नहीं, बट जी हाँ टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग ये जरूर ले सकते हो। प्लस के सब्सक्रिप्शन में मैं आपको बता दूं, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप लोगों को यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ जाना चाहिए। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ जब जाते हो यहाँ पर कोड लगा दो डाका 10 DAGA10, आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने कहा, पता नहीं कुछ समय से यहाँ पर अनएकेडमी पर सर्वर का इशू चल रहा है, तो यहाँ पर इसलिए नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं एक मिनट बाद देखूंगा ना तो फिर से ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, डागा 10 यही कोड है बेटा, ठीक है, यही कोड है। ये देखना, अभी मैं चेंज करता हूँ इसको, ठीक है, ड्यूरेशन चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। अप्लाई करने के बाद देखो यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया, डागा 10 DAGA10 इज द कोड। ये देखो यहाँ पर कोड लग चुका है, बिल्कुल लग चुका है। सो आप लोग इस कोड को लगा सकते हो, फिर से मैं ट्राई करूँ 24 मंथ्स के लिए, चलो देखते हैं 24 मंथ्स के लिए भी ट्राई करते हैं। जी हाँ बेटा, लग चुका है ये कोड 28,800। तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि ये जो है ना, ये कभी कभी थोड़ा सा इशू होता है, दैट कैन बी द सर्वर्स प्रॉब्लम, राइट, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। चलिए शुरू करते हैं बेटा, शुरू करते हैं फटाफट से, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 6। आर यू रेडी एवरीवन? इफ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से फटाफट से मुझे बताना है बच्चा पार्टी, आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या आप लोग यहाँ पर तैयार हो। हम लोग शुरुआत कर रहे ऐसे चैप्टर की जहां पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, हम लोग ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं। अगर यस, तो जल्दी से यहाँ पर चैट बॉक्स में मैं यस देख रहा हूँ। आप लोग आपके सारे के सारे फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो कि मैंने चैप्टर शुरू कर दिया, बहुत सारे इसको छोड़ देते हैं, तो उनको बोल सकते हो देखना है तो यहाँ पर देख लेना, ठीक है। सी ए स्टूडेंट्स के लिए फ्री में स्टडी प्रोवाइड कर रहे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है, वरना बहुत से स्टूडेंट अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच साक्षी जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर आप लोगों के लिए एनी टाइम, राइट। चलिए, ये चार चीजें हैं जो हम लोग देखने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फाइनेंस, स्टॉक, कमोडिटी मार्केट, ठीक है। तो फाइनेंस देखेंगे, फिर मार्केटिंग देखेंगे, फिर बैंकिंग देखेंगे, फिर अदर बिजनेस देखेंगे। तो फाइनेंस के लिए हमें करीबन 2 दिन चले जाएंगे ऐसे मुझे लगता है, तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंस की, ठीक है। तो बेटा ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, तो हम लोग यहाँ पर आज शुरुआत कर रहे हैं फाइनेंस as a particular section, we are trying to understand the definitions of finance. मैं आप लोगों को पहले थोड़ा स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या करूंगा, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आऊंगा और उसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है। तैयार हो एवरीवन? तो स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो? तो यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कुछ डेफिनेशन, तुम्हारे बुक में ही है, हाँ, मैं कुछ भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूं जो बुक में नहीं है, ठीक है। मैं आपको आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट कितने बजे शुरू होता है? स्टॉक मार्केट कितने बजे शुरू होता है? सर स्टॉक मार्केट तो वैसे 9 बजे शुरू होता है और 9:15 बजे तक वो होता है, ये प्री ओपनिंग टाइम है, प्री ओपनिंग सेशन। लेकिन एक्चुअल में सर स्टॉक मार्केट 9:15 बजे शुरू होता है और ये 3:30 बजे तक होता है, ठीक है, 3:30 बजे तक, ठीक है। और सर ये स्टॉक मार्केट कौन से दिन पर चालू होता है? स्टॉक मार्केट मंडे से लेकर फ्राइडे तक चालू रहता है, इसको कहते हैं हम लोग बिजनेस डेज। सर स्टॉक मार्केट जो है इसको छुट्टियां कब होती है? सैटरडे संडे को छुट्टी होती है और पब्लिक हॉलीडे को भी छुट्टी होती है। सैटरडे संडे पब्लिक हॉलीडे, इस पे छुट्टियां होती है। ठीक है, सैटरडे संडे को छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे को छुट्टी, ठीक है। यस सर, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? बेटा एग्जाम में आ सकता है,
एग्जाम में आ सकता है इसलिए कर रहे हैं। आप लोगों को पूछा जाएगा कि बिजनेस डेज क्या होते हैं स्टॉक मार्केट के, तो आपको बताना है मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे छुट्टी, तो ऐसे कुछ सवाल आएंगे। स्टॉक मार्केट कब से कब तक शुरू रहता है? 9:15 से लेकर 9:30 तक स्टॉक मार्केट शुरू रहता है। तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस का ही हिस्सा है ये बच्चा पार्टी, ठीक है। कितना आसान है सर ये? इतना इजी आएगा? हाँ, इतना ही इजी आएगा। यस सर, हमको बताना अगर मैं फ्रेशर हूं, ठीक है, अब यहां पर देखना कैलाश, कैलाश जो है कैलाश, हाँ ठीक है, कैलाश जो है सर, इसको ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना था, ये मेरे पास आया और इसने क्या बोला, इसने कहा कि सर मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मैं सर कैसे परचेस करूं, सर मैं शेयर्स कैसे परचेस करूं, कौन से टाइप के शेयर्स मैंने खरीदने चाहिए। मैंने कैलाश को मैंने समझाया, क्या समझाया मैंने उसको कि बेटा तेरे को ब्लू चिप कंपनी खरीदनी है, ब्लू चिप, वो बोलता है ब्लू चिप्स ये क्या होता है सर, मैंने उसको बोला कि देखो ब्लू चिप कंपनी खरीदनी है, ब्लू चिप कंपनी का मतलब होता है जो फाइनेंशियली साउंड कंपनी होती है, जो बहुत सालों से चलते आ रही है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, उसको हम लोग ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। सर एग्जाम्पल दोगे क्या ब्लू चिप कंपनी का एग्जाम्पल? ठीक है, यहां पर देखना बेटा क्या हो रहा है, रिलायंस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, तो रिलायंस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, देन टाटा मोटर्स है, देन बजाज ऑटो है, ये सारी ब्लू चिप कंपनीज है, वेरी वेरी साउंड कंपनीज, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक ये शुरू रहता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलीडे छुट्टी होती है, ब्लू चिप कंपनी मतलब फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। सर मैंने सुना है कि मेरे जो पापा थे वो हमेशा बात करते थे कि मुझे डिविडेंड मिला है, हमें डिविडेंड मिला है, हर दिन हर महीने में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, तो सर फिर वो कौन से स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देते हैं? मैंने कहा बेटा जो कंपनी डिविडेंड देती है उसको हम लोग इनकम स्टॉक्स कहते हैं। क्या स्टॉक्स कहते हैं? इनकम स्टॉक्स। कौन से स्टॉक? इनकम स्टॉक्स। The company which have a solid track record of giving the dividend is known as income stocks. Solid track record of giving dividend. ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग income stocks. Income stocks. ठीक है. Sir, हमें ये भी पूछना था कि अगर मेरे को stock खरीदना है तो हम लोग किसके थ्रू खरीदेंगे? कोई तो होगा. Directly Reliance Industries के पास जाना है क्या मुझे? The answer is no. डायरेक्टली मुझे टीसीएस में जाना है क्या खरीदने के लिए? टीसीएस के बाहर खड़ा रहूंगा, टीसीएस वाले को बोलूंगा कि मेरे को शेयर दे दे? नो सर। सर फिर कैसे खरीदू? नहीं बताओ ना मुझे कैसे खरीदू। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ब्रोकर सर, ब्रोकर कौन है? एंजल। एंजल के थ्रू खरीद सकते हो आप, ठीक है। यस So, एंजल मतलब एंजल ब्रोकिंग यार, एंजल ब्रोकिंग ऑफ स्टॉक्स, जीरोधा, शेर खान, देन मेनी 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 पीपल आउट देयर, ठीक है। सो ये क्या है? ये है इनकम स्टॉक, इसको कहते हैं हम लोग इनकम स्टॉक्स, ठीक है। सो 9 to 9:15, 9:15 to 3:30 मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे, ये ब्लू चिप इनकम स्टॉक। अभी मुझे एक और सवाल पूछना है सर, तो ये जो ब्रोकर्स रहने वाले हैं आपने जिसकी बात की, तो ये सर फ्री में करते हैं क्या हमारे लिए का? अरे भाई फ्री में कोई चीज नहीं होती जिंदगी में, कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है। आप लोगों को ब्रोकर के पास जाना है, ब्रोकर तुम्हें खरीद कर देगा, वो तुम्हें परचेस एंड सेल तुम्हारे बिहाफ पे करता है, लेकिन वो तुम्हें ब्रोकरेज चार्ज करेगा। ब्रोकरेज मतलब कमीशन, वो तुम्हें ब्रोकरेज चार्ज करेगा। ब्रोकरेज माने कमीशन, कमीशन, कमीशन। यस राइट समझ में आ रहा है सर? सर सर मैंने सुना था, आज जब मैं टीवी देख रहा था अभी रिसेंटली, तब वो लोग बोल रहे थे कि बियर आ गए। इसका मतलब क्या होता है सर? जब मार्केट नीचे जा रहा था ना, तब मैं टीवी पे सुन रहा था, मेरे जो अंकल है, मेरे जो पापा है, ठीक है, जो भी तुम्हारे घर में ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने वो टीवी पे बोल रहे थे कि अभी बियर आ गए। मुझे ऐसे लग रहा था कि भालू आया क्या कोई। बोलो ना, बियर आ गए मतलब कौन आया? भालू। प्लीज गाइस कम ऑन यार, पार्टिसिपेट विद मी, व्हाट आर यू डूइंग?
बियर आ गए मतलब कौन आ गए, बियर आ गए मतलब बेटा भालू, भालू नहीं, स्टॉक मार्केट में प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे 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 जाने वाली है, उसको हम लोग बियर मार्केट कहते हैं, बियर मार्केट। सर आज तक सिर्फ स्टॉक मार्केट सुना था सर, आज आपने बियर मार्केट के बारे में भी बता दिया सर। लेकिन ना मैंने कुछ महीनों पहले ऐसे भी सुना था सर, पिछले साल में ना मैंने सुना था कि बुल आ गए, बुल 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 आर बुल्स आर वेरी वेरी एक्टिव, बुल मार्केट चालू है। सर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बाहर जाकर देख रहा था तो कोई भी बुल नहीं दिखाई दिया मुझे, बुल कोई भी नहीं था सर, सच्ची बता रहा हूं। लेकिन सब लोग बोल रहे थे बुल्स आ गए हैं, बुल्स आ गए हैं, बुल्स आ गए। क्या बताएं इसका मतलब, बुल्स मतलब बेटा शेयर मार्केट में स्टॉक्स की प्राइस ऊपर 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 जा रही है, ठीक है, शेयर मार्केट में स्टॉक प्राइस ऊपर 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 जा रही है। सर आप टाइम पास कर रहे हो क्या, सच्ची सच्ची बताओ ये क्यों बता रहे हो हमको। अरे भाई ये सब कुछ बुक में है भाई, मैं थोड़ी ना टाइम पास करवा रहा हूं, यहां पर लिखा गया है कि व्हेन द स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली गोज अप इट इज नोन एज बुल मार्केट, द स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली गोज डाउन इट इज नोन एज बियर मार्केट, ठीक है। ब्रोकरेज मतलब इट इज अ कमीशन चार्ज बाय द ब्रोकर, ब्रोकर मतलब ब्रोकर इज अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। इनकम स्टॉक मतलब दो स्टॉक विच इज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट, ठीक है भाई साहब, खबरदार किसने बोला टाइम पास कर रहा हो, ठीक है। यस समझ में आ रहा है क्या, अगर बच्चा पार्टी मजा आ रहा है तो लाइक करो, तुम लोग बहुत कंजूस हो यार, मतलब यहां पर इतने सारे बच्चे देख रहे हैं ठीक है, और उससे आधे लाइक्स है, मतलब तुम लोग कितने कंजूस हो। एक तो मैं तुम्हें इतना एंटरटेन कर सिखाता हूं, पूरे दिल से सिखाता हूं, शिद्दत से सिखाता हूं, ठीक है। तुम्हें पता है रियल टीचर्स आर दोज हु टीच फ्रॉम द हार्ट एंड नॉट फ्रॉम द बुक, ठीक है। मैं इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हो, ऐसा सिला दिया तुमने मेरी टीचिंग का, राइट। यस ओके 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 सो एवरीवन ओवर हियर, ठीक है सर। आप दिसंबर वालों को भी बोलते हो सर, दिसंबर वालों को क्या बोलना है, क्या बोलना है, किसको क्या बोलना है, आई डोंट नो सर। ये गाइज गिव मी अ मिनट, देयर इज समवन एट होम बट कोई नहीं है, एक ही मिनट में आई विल बी बैक इन वन मिनट, ठीक है। ओके एवरीवन वी आर बैक अगेन, ठीक है, वी आर बैक अगेन। हाँ सो हाँ मैं कहां पर था, बुल मार्केट बियर मार्केट। गाइज चलिए मैं तुमको टेस्ट करता हूं, आज मैं तुमको टेस्ट करता हूं, क्या तुम तैयार हो, आंसर दोगे, आई एम टेस्टिंग यू। तो कितने प्रतिशत भारतीय बच्चे यहां पर मैथमेटिक्स पढ़े हैं, कितने प्रतिशत भारतीय बच्चे यहां पर मैथमेटिक्स पढ़े हैं, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता देना। मैथमेटिक्स से मैं एक सवाल पूछने वाला हूं, ठीक है यस। मुझे आप लोग बताओगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एन्युटी एंड आप लोग मुझे बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय एन्युटी ड्यू। तो क्या होता है एन्युटी और क्या होता है एन्युटी ड्यू, आप लोग मुझे बताना, कम ऑन एवरीवन, एन्युटी म्हणजे क्या और एन्युटी ड्यू म्हणजे क्या है। एन्युटी मतलब रेगुलर अमाउंट जो होता है, जो रेगुलर पेमेंट जो करते हैं फिक्स्ड इंटरवल्स में, लेकिन वो पेमेंट होता है एट द एंड ऑफ द मंथ। एन्युटी एट द एंड होता है, फिक्स्ड इंटरवल्स होते हैं, लेकिन एन्युटी ड्यू इज एट द बिगिनिंग। समझ रहा है क्या बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग दिस। ओके तो मैं आपसे कहना चाहता हूं 9 से 9:15 आपको पता है प्री ओपनिंग सेशन, 9:15 से 3:30 मार्केट के आवर्स है, मंडे से फ्राइडे स्टॉक मार्केट चालू रहता है, बिजनेस डेज बोलते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी, पब्लिक हॉलीडे छुट्टी, ब्लू चिप स्टॉक मतलब बहुत ही फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, बहुत सालों से चलते आ रही, अच्छा खासा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है,
इनकम स्टॉक मतलब वो कंपनी जो रेगुलरली डिविडेंड देती रहती है, ब्रोकर मतलब जो अपने बिहाफ पे बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है शेयर्स की, ब्रोकरेज मतलब कमीशन जो ब्रोकर चार्ज करता है, बियर मार्केट मतलब जो स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली नीचे 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 जा रही है, बुल मार्केट मतलब कंटिन्यूअसली प्राइसेस ऊपर 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 जा रहे हैं, एनुइटी मतलब रेगुलर फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल्स में जो जा रहा है लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जा रहा है, एनुइटी ड्यू मतलब जो रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल्स में लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ जा रहा है उसको एनुइटी ड्यू कहते हैं। ओह माय गॉड दिस इज सो ऑसम गाइस, देखो सब कुछ कितने जबरदस्त तरीके से फटाफट हम लोगों ने रिवाइज भी कर लिया। ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है। So we are moving forward and आप लोग मुझे बताओगे what do you mean by dividend? सर मैंने सुना है सर, डिविडेंड मंजे वो होता है जो कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा अपने को देती है, उसको हम लोग डिविडेंड कहते हैं। बराबर क्या? बिल्कुल बराबर। अरे बिल्कुल सही कहा सर, डिविडेंड मंजे वो जो कंपनी प्रॉफिट होने पर अपना छोटा सा हिस्सा तुमको दे रही है। यस सर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट विच इज गिवन टू द शेयर होल्डर्स, राइट? ओके सर, आपने सुना है क्या कभी बोनस शेयर्स के बारे में? हाँ मैंने सुना है बोनस शेयर्स। सर बोनस शेयर्स मतलब क्या होता है? फुकट में मिलते हैं शेयर्स। फुकट में? हाँ नहीं, बोनस मतलब हाँ फुकट में तो मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं अगर तुमको सच्ची सच्ची बताओ तो बोनस एक धोखा है। क्या है? बोनस एक धोखा है। जिंदगी में कभी भी कोई चीजें फ्री में नहीं मिलती है बेटा, ये बात अच्छे से ध्यान देना। जिंदगी में कभी भी कोई भी चीजें फ्री में नहीं मिलती हैं, ठीक है? ओके तो यहां पर देखिए बोनस एक धोखा है। सर कैसे? सर अरे देखो, सपोज अपना जो दोस्त है यहां पर कौन है? अपना दोस्त कार्तिक। तो कार्तिक अगर अपना दोस्त है तो सपोज बेटा कार्तिक ने क्या किया, कार्तिक के पास लेटेस्ट से कार्तिक के पास थे 100 शेयर्स, ठीक है? कार्तिक के पास 100 रुपए का, चलो एक शेयर था, एक शेयर कार्तिक के पास 100 रुपए का एक शेयर था, ठीक है सर? समझ, चलो 1000 रुपए का, ठीक है? हाँ कार्तिक के पास 1000 रुपए का एक शेयर था, कंपनी ने बोनस इशू किया। कार्तिक के पास अभी कितने शेयर रह गए? कार्तिक ने के पास 2 शेयर आ गए। कंपनी ने बोला कि हम लोग 1:1 में शेयर्स को इशू कर रहे हैं, कंपनी ने एक शेयर इसको दे दिया। लेकिन जैसे ही कंपनी ने इसको एक शेयर दिया, जिस दिन उसको एक शेयर दिया उस दिन कंपनी ने उसकी प्राइस को रिड्यूस कर दिया 500। मतलब पहले कार्तिक के कितना इन्वेस्ट किया था? 1000। आज भी कितना है? 1000। सर ऐसा कैसा? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूं, बोनस एक धोखा है। वही तो मैं बोल रहा हूं भाई, बोनस एक धोखा है। मतलब लेट मी पुट इन अ बेटर वर्ड्स नाउ, बोनस का मतलब क्या होता है? यहां पर कंपनी तुमको शेयर्स इशू कर रही है लेकिन द प्राइस हैज बीन एडजस्टेड। यहां पर शेयर होल्डर्स की वेल्थ कुछ गेन नहीं होती है, इट इज जस्ट एन एडजस्टमेंट, इट इज जस्ट अ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। मतलब तुमने यहां से रिजर्व्स में से पैसा निकालकर तुम लोगों ने शेयर कैपिटल में एड कर दिया, इसका मतलब यही होगा, बाकी कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है? धोखा ही धोखा है बेटा। Yes, मैं तो फ्री के चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करता था, क्योंकि एक बार क्या हुआ मेरे साथ, एक बार पता है मेरे साथ क्या हुआ? मैं ना आर्टिकलशिप में ऑफिस में गया, ठीक है? सितंबर का महीना था। तो वहां पर क्या हुआ, मेरे सीनियर ने कहा कि आज नाश्ता आने वाला है। मैंने कहा ठीक है यार, बढ़िया है, 7 बजे निकलते हैं ऑफिस से। तो बॉस ने क्या किया, 6:30 बजे ही नाश्ता मंगवा लिया, ठीक है? बॉस ने 6:30 बजे नाश्ता मंगवाया। मैंने कहा वाह भाई वाह, दाबेली खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे, ठीक है, समोसा खाएंगे, मजा ही मजे है। 6:30 बजे खाना आया, हमने खाया थोड़ा बहुत, कचौड़ी खाया समोसा खाया और निकल पड़े 7 बजे। बॉस को पूछा हम जा रहे हैं, बॉस ने कहा क्यों? आई वाज लाइक व्हाट इज दिस क्यू भाई, 7 बज गए हैं, सुबह से ऑफिस में आया हूं, क्यों का मतलब क्या होता है भाई, जाना है मुझे, टाइम हो गया है। बॉस ने कहा क्यों? मैं मेरे सीनियर के पास चले गया, सीनियर से पूछा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि मैं जा रहा हूं, तो वो मुझे पूछते क्यों, उन्होंने मेरे हाथ में ये फाइल दे दी, अब मैं क्या करूं, ठीक है? उन्होंने बोला कि भाई, सीनियर ने बोला मैंने तुझे जो बोला था वो आधा सच था कि आज शाम में ऑफिस में नाश्ता आएगा,
उसके आगे का मैं बोलने आ रहा था तब तक तो तू निकल गया। तू नाश्ता करेगा तो तुझे रुकना पड़ेगा, मतलब सितंबर में सबको ही रुकना पड़ता है। मेरा बड़ा भाई यार, मैं बाहर खुद जाकर नाश्ता कर लेता था यार, मुझे नहीं रुकना है। उन्होंने खाना भी दिया, ठीक है, इतना ही नहीं बेटा, डिनर भी दिया उन्होंने। मेरा बड़ा मुझे नहीं करना है डिनर, मैं जा रहा हूं भाई, डिनर करने के बाद फिर से रुकाएंगे, डिनर तो करना ही पड़ेगा और रुकना भी पड़ेगा, ठीक है। तो भाई साहब सीरियसली बता रहा हूं, ये बोनस शेयर बिल्कुल वैसा ही है। आपको लगता है कि फ्री में मिला है, लेकिन फ्री में नहीं है भाई, फ्री में नहीं है, ठीक है। यस, सो समझ में आ रहा है क्या आपको? अरे सितंबर के महीने में टैक्स ऑडिट होता है, आपके सीनियर्स को पूछ देना, रात पे 11, 12 बजे, 1 बजे तक भी बैठना पड़ता है तुम लोगों को कभी कभी ऑफिस में, ठीक है। मैंने उसको कह दिया कि भाई मेरे को कल से नाश्ता भी नहीं चाहिए, मेरे को कल से डिनर भी नहीं चाहिए, मेरे को घर पर जाना है यार, क्या कर रहे हो मेरे साथ? उसने कहा नो बेटा, नो, यू हैव टू वेट, दिस इज सितंबर का महीना, ठीक है। मैंने कहा सितंबर का महीना तो क्या करूं भाई? उसने कहा नहीं बेटा, टैक्स ऑडिट होता है, तेरे को रुकना ही पड़ेगा। कहां पर आकर फंस गए? आई वॉज लाइक कि कहां पर आकर फंस गए यार, ठीक है। यस ओके, सो बेटा यहां पर आगे बढ़ते हैं अभी। सो बेटा आर्टिकल शिप के लिए कहां पर था, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, जाने दो अभी, ठीक है। हाँ, सो बोनस सर पता चल गया, हाँ सर पता चल गया। व्हाट डू यू मीन बाय आईपीओ? आईपीओ तो तुम लोगों को पता ही है, अभी इतने सारे आईपीओ आते हैं, आईपीओ का मतलब तुमको पता ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, लेट मी टेल यू, ठीक है। आईपीओ का मतलब होता है कि जहां पर आप एक कंपनी है जो पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है, कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो रही है, उसको हम लोग आईपीओ कहते हैं। क्या कहते हैं? आईपीओ, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है, समझ में आ भी गई? यस सर, समझ में आ भी गई। सो व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड? बॉन्ड के बारे में सुना ही होगा आपने बेटा, जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात कर रहा हूं, बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बॉन्ड। किसी को पता है बॉन्ड के बारे में? किसी को पता है बॉन्ड के बारे में? यस एवरीवन, यस एवरीवन, बताइए मुझे, बताइए बॉन्ड मंजे व्हाट? बेटा मैंने परचेस किए थे बॉन्ड, गोल्ड सोवरेन बॉन्ड मैंने परचेस किए थे, ठीक है। तो गोल्ड सोवरेन बॉन्ड क्या होता है? वो एक गवर्नमेंट तुमको इशू कर रही है गोल्ड सोवरेन बॉन्ड, जहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं पता है, जहां पर वो लोग बोलते हैं कि अगर तुमने एक बॉन्ड इतने इतने पैसों का है, दो बॉन्ड लोगे तो इतने इतने रुपए का है, तो ये जो है बॉन्ड है ये इतने साल के बाद मैच्योर होगा, आप लोगों को इस पर इतना इतना परसेंटेज मिलेगा, आप लोगों ने इतने साल तक रखा तो आपका ये टैक्स फ्री रहेगा, अगर तुमने नहीं रखा तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा जो भी गेन्स हो गया। तो बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी विच गवर्नमेंट इज इशूइंग फॉर सम पर्टिकुलर मनी विच दे आर गोइंग टू गिव यू आफ्टर सम टाइम, मैच्योर कुछ टाइम बाद होगी और उस पर आपको कुछ तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? यस, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड कहते हैं बॉन्ड। तो मैंने कौन सा किया था? मैंने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड परचेस किया था, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ठीक है। यस, आगे बढ़े एवरीवन, समझ में आया? हेलो सर, आई वांट योर बीसीके नोट्स, प्लीज हेल्प मी सर, आई एम ए प्लस स्टूडेंट सर। ओके बेटा, डोंट वरी एट ऑल, तुम्हें जो तुम्हारा फोल्डर्स है उसमें मिल जाएंगे नोट्स, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, उसमें मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। यस, चिंता ना करो। कौन से बैच बेटा, लक्ष्य या मिशन सक्सेस? तो कल लक्ष्य बैच में मुझे रिमाइंडर दे देना, ठीक है, उसके पहले आज ही हो जाएगा अपलोड, ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें, टेंशन ना को क्यों बेटा। ओके, हाँ, सो कहां पर थे हम लोग? बॉन्ड के पास थे, आईपीओ हो गया, बोनस हो गया, डिविडेंड हो गया, एन्युटी हो गया, एन्युटीडी हो गया, बुल हो गया, बियर हो गया, ब्रोकरेज, ब्रोकर, इनकम, ब्लू चिप, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं बेटा, बास्केट ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बास्केट ट्रेडिंग, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बास्केट ट्रेडिंग?
व्हाट डू यू मीन बाय बास्केट ट्रेडिंग। ठीक है, सो बेटा बास्केट ट्रेडिंग का मतलब होता है, बास्केट ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर मेरे को 10 स्टॉक्स एक साथ बाय करना है, ठीक है, 10 स्टॉक एक साथ बाय करना है, ठीक है, ये चीजें ना लड़कियां बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती है। ठीक है, तो मैं यहां पर नाम लेना चाहता हूं किसका, लेट मी चेक, आकांक्षा। ठीक है, आकांक्षा जी को कुछ परचेस करना था, शॉपिंग करनी थी। ठीक है, तो आकांक्षा जी को पता था कि सेल आने वाला है ऑनलाइन। आकांक्षा जी ने क्या किया पता है, वो एड टू बैग होता है ना, अमेजोन पे जाते हैं या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, एड टू कार्ट। ठीक है, तो कार्ट पे उसने सब एड करके रखा था, सारा के सारा एड करके रखा था। दूसरे दिन सेल आया, उसने सिर्फ क्या किया, प्रोसीड टू पे, सारे के सारे 10 आइटम्स बाय कर दिया। अगर तुम इंडिविजुअली करते हो, एक आइटम को ढूंढा, फिर उसको प्लेस ऑर्डर किया, फिर दूसरे आइटम को ढूंढा, प्लेस ऑर्डर किया, तीसरे आइटम को ढूंढा, प्लेस ऑर्डर किया, फोर्थ आइटम प्लेस ऑर्डर, फिफ्थ आइटम प्लेस ऑर्डर, ऐसा कुछ करते हो क्या तुम लोग? नहीं ना, एक साथ बाय करना तो एक साथ करते हो ना। वैसे ही अगर मेरे को 10 स्टॉक बाय करने के है, तो मैं एक एक कर थोड़ी ना 10 स्टॉक बाय करूंगा। आई कैन ऑल्सो बाय द 10 स्टॉक्स, 15 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स एट अ टाइम। तो ऐसे भी कुछ सॉफ्टवेयर्स निकल चुके हैं आज की तारीख में, जहां पर आप लोग बास्केट ट्रेडिंग भी कर सकते हो, एक साथ 10 स्टॉक बाय की, एक साथ 30 स्टॉक सेल की, एक साथ, मतलब कहने का मतलब समझ गए ना, साथ में बल्क ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। समझा क्या? नया क्या है सर, 25 आइटम लिमिट ऑन फ्लिपकार्ट। ओ माई गॉड, आई डिडंट न्यू दिस, आज ये मुझे पहली बार पता चला। नेहा जी इतनी शॉपिंग करते हो कि 25 आइटम से ज्यादा हो गए थे आपके कार्ट में, आज मुझे कुछ नया पता चला है। यस, आज मुझे कुछ नया पता चला। ठीक है, वेरी गुड बेटा। गेटिंग, समझ में आया क्या? एवरीवन, ओ माय गॉड, खतरनाक है यार ये लोग। तो बास्केट ट्रेडिंग मतलब बल्क में बाय करने का, बल्क में सेल करने का, उसको हम लोग बास्केट ट्रेडिंग कहते हैं। अभी मैं ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके सामने रखने वाला हूँ, लेट मी टेल यू कैसे कैसी वो टर्मिनोलॉजीज, देखना। यहां पर हम आपको बताते हैं एसेट, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है, बैड डेट्स, ठीक है, फिर एसेट हो गया, फिक्स्ड एसेट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, और क्या है बेटा, अमोर्टाइजेशन। बेटा यार देखो, मैं आपको एसेट पढ़ाने नहीं वाला हूं, फिक्स्ड एसेट्स नहीं पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ाऊंगा, बैड डेट्स नहीं पढ़ाऊंगा, बैलेंस शीट के बारे में पूछे क्या? अगर ये मैंने आपको पढ़ाया तो भाई साहब घोर अनर्थ हो जाएगा बेटा, घोर अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने आपको पढ़ाया बैलेंस शीट के बारे में, घोर अनर्थ हो जाना है। एसेट के बारे में पढ़ाया तो भाई साहब खत्म हो जाएगा, फिक्स एसेट के बारे में बताया तो भाई, मतलब अगर मैंने पढ़ाया ना तो ये सच में तुम लोग को छोड़ देना चाहिए सीए, मतलब तुम्हारा अकाउंट्स का सिलेबस खत्म होने में आया है। ठीक है, और आप लोग को ऐसी टर्मिनोलॉजीज अगर मैं बता रहा हूं तो तुम लोगों ने भाई साहब मुझे अंशुल से डांटेंगे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया इनको, फिर भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है एसेट मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, बैड डेट्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, सर इनको तो छोड़ देना चाहिए, मतलब अंशुल सर मेरे को मारेंगे। ठीक है, अगर तुमको ये मैंने बताया, ठीक है, तो ये तो भाई सीरियसली मैं कह रहा हूं। ठीक है, एक बार मैं अमोर्टाइजेशन बता दूंगा, ठीक है, इंटेंजिबल असेट्स का जो डेप्रिसिएशन होता है ना, इंटेंजिबल गुडविल अमोर्टाइजेशन होगा, पेटेंट्स अमोर्टाइजेशन, तो ये अमोर्टाइजेशन तो ठीक है, बट भाई मैं नहीं बता सकता हूं, मैं ये रिस्क ले ही नहीं सकता हूं। ठीक है, सो असेट तुम्हारा होमवर्क है, तुम पढ़ लेना, फिक्स्ड असेट तुम्हारा होमवर्क है, डेप्रिसिएशन तुम्हारा होमवर्क है, नहीं आता है तो थोड़ा सोचना कि क्या मैंने सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर तुमको असेट, फिक्स्ड असेट, डिप्रिसिएशन, करंट असेट, बैड डेट्स, बैलेंस शीट ये नहीं पता है तो यू हैव टू रीथिंक अगेन कि क्या मैं सीए करूं या ना करूं। ठीक है, यस, सच्ची सच्ची बोल रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो मुझे तो बोलेंगे ही सर, तुमको भी बोलेंगे। ठीक है, यस,
हाँ तो बेटा ये भी कुछ डेफिनेशंस आपको दिए गए हैं और आपको ये करने हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय आर्बिट्राज? क्या आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्राज का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग टुगेदर इन टू डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है। मतलब हम लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन दो अलग मार्केट, साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग इन टू डिफरेंट मार्केट्स, साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग इन टू डिफरेंट मार्केट, इट इज नोन एज आर्बिट्राज, इट इज नोन एज आर्बिट्राज, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया एवरीवन? यस, आई जस्ट होप दैट यू गॉट इट राइट एवरीवन। ओके, सो बजा पार्टी, क्या तुम लोगों को मजा आ रहा है क्या? मजा, ये कुछ तो अलग है सीखने को मिल रहा है, ऐसे तुमको लग रहा है ना? मतलब जिंदगी में कुछ तो अच्छा कर रहे हैं हम लोग, राइट? यस, ओके। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, क्या है उसका नाम? है उसका नाम है हेजिंग, ठीक है। हेज, हेज करना मतलब क्या था? हेज, देखो यार, हेज का सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बोलू, टू मिनिमाइज द रिस्क एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, या मिनिमाइज द रिस्क मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, उसको हम लोग हेज बोलते हैं, हेज, ठीक है। लेकिन लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मिनिमाइज द प्रॉफिट एंड मैक्स मिनिमाइज द सॉरी मिनिमाइज द लॉस एंड मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, इसको हेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, इतना ही नहीं यार, हेजिंग इज अ क्वाइट वाइडर कॉन्सेप्ट, आई कैन से दैट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, फॉरेक्स से रिलेटेड एग्जांपल आपको देता हूं मैं। यस बेटा, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, वो कोल को इंपोर्ट करता था, इंपोर्ट, वो कोल को इंपोर्ट करता था। उस समय जो हमारे जो होते थे ना फॉरेक्स वाले, फॉरेक्स रेट्स जो थे हमारे, 66 रुपीज कुछ हुआ करते थे। एक समय ऐसा आया कि हमारा डॉलर, रुपी डॉलर इतना शूट अप हो गया, मतलब विद इन अ वीक्स इट बिकेम 71 ऑड, अराउंड 71 72। भाई बहुत टेंशन में आ गया, उसने मेरे को बोला कि सर, उसने मेरे को कॉल किया, अखिलेश, ठीक है, अखिलेश यार टेंशन आ रहा है यार बहुत, मतलब हमारा जो पेमेंट होता है हम लोग जनरली 45 डेज के बाद, 60 डेज के बाद करते हैं, अभी यार ये इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया है, मेरे को तो बहुत टेंशन आ रहा है। हमारा अमाउंट जो होता है पे करने का, दैट इज वेरी ह्यूज अमाउंट, और तुम लोगों को लगता रहेगा बच्चा पार्टी कि सिर्फ 5 रुपए की बात है, लेकिन बेटा ये 5 रुपए की बात नहीं है, उसके लिए ये लाखों का नुकसान है, उस दोस्त के लिए, मेरे दोस्त के लिए लाखों का नुकसान है। क्योंकि यार वो जो बाय करता है ना, वो टर्न्स में बाय करता है, किसमें? टर्न्स में। और अगर उसको इसका पेमेंट करना है, अगर उसे इसका पेमेंट करना होगा, तो उसका लाखों का नुकसान होता है। तो यार वो बोला कि कैसे करूं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला देख भाई, तू 66 बाय कर रहा है 66 पर, हाँ, लेकिन जब तू पेमेंट कर रहा था तब 71 हुआ। उसने कहा हाँ, तो जिस दिन तूने 66 पे बाय किया, उस दिन तू अपने फॉरेक्स मार्केट में रुपी डॉलर परचेस कर ले 66 के हिसाब से, जितनी तेरा प्राइस रहेगा यहां पर उतने हिसाब से तू परचेस कर ले, ठीक है, इसका ठीक है। और यहां पर तू 71 में जब पेमेंट करेगा, तब तू यहां पर 71 में बेच दे, तो यहां पर तुझे 5 रुपए का लॉस हुआ है। मतलब डेटा से सपोज तेरा 50 लाख का लॉस हुआ, तो यहां पर तू 50 लाख रुपए प्रॉफिट कमा ले। तो यहां पर तूने क्या किया, तूने हेज कर लिया, तेरे लॉस को तूने कवर कर लिया, लॉस को कवर कर लिया, उसको हेजिंग कहते हैं। यस सर, आपको एक सवाल होगा कि सर अगर ये 66 में उसने यहां पर बाय किया है, 71 में उसने बेचा है, जब वो स्टॉक मार्केट में रुपी डॉलर फॉरेक्स को परचेस करेगा 66 में, क्यों ना वो वहीं पर इमीडिएटली पेमेंट कर दे? नहीं बेटा, मार्जिन पे तुम लोग बाय कर सकते हो, ठीक है, मार्जिन पे तुम लोग बाय कर सकते हो। तो यहां पर उसने मार्जिन पे जब बाय किया, तो उसको उतना पैसा नहीं लगता है, ठीक है, और जो वहां का लॉस था वो यहां से सेट ऑफ हो गया है, यहां से सेट ऑफ हो गया है। तो क्या हम लोग इसको हेजिंग कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट तरीके से हेजिंग किया जा सकता है। मैंने आपको वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया हेजिंग का, राइट? मैंने आपको एक वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया कि कैसे हेजिंग कर सकते हैं।
अब कुछ बच्चे को ऐसा भी सवाल होगा, कुछ बच्चों को ऐसा भी सवाल होगा, सर एक सेकेंड, सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. मैंने कहा ठीक है सर. अगर उसने 66 में बाय किया, मैंने कहा हाँ. अगर वो 61 होता है सर, मैंने कहा ठीक है, तो वो 66 में यहां पर फॉरेक्स में बाय करेगा. मैंने कहा हाँ. तो वो 61 में सेल करेगा सर. मैंने कहा बिल्कुल करना ही है, रुकना नहीं है. तो सर यहां पर तो उसको प्रॉफिट हो गया. मैंने कहा यस ऑफ कोर्स सर, लेकिन जो मैंने हेजिंग के लिए ये जो करेंसी बाय करी थी यहां पर तो मेरा लॉस हो गया. मैंने कहा हाँ, लेकिन ये प्रॉफिट और ये लॉस सेट ऑफ हो गए ना. तो सर ये क्या हो गया मतलब? अरे भाई तेरे को पता था कि नीचे जाना है? नहीं, ये ऊपर जाता तो लॉस होता था. हाँ, तो यू आर हेजिंग जस्ट टू कवर योर लॉसेस, यू आर नॉट हेजिंग टू मेक सम प्रॉफिट. यू आर हेजिंग द इंस्ट्रूमेंट टू कवर योर लॉसेस. द मेन पर्सपेक्टिव इज टू रिड्यूस द लॉस जो कि हो सकता है आइदर सिचुएशन में. And you know, don't know the exact predictable situation, and therefore it becomes important for you to hedge it, right? Yes. समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा bouncer क्या रहेगा थोड़ा? तुम लोग सिर्फ इतना ही समझो. देखो यार, definition बड़ा easy है. Definition क्या है? Minimize the losses and maximize the returns. ठीक है? लेकिन मैं तुमको चाहता था कि तुमको practical example दूँ जो real life में होते हैं. ठीक है, सो मैंने सिर्फ वन ऑफ द एग्जांपल दिया है आपको. ऐसे अलग अलग तरीके से हेजिंग हो सकता है, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहिए. अगर प्रैक्टिकल नॉलेज देते तो थोड़ा मजा आता है जिंदगी में पढ़ने के लिए. ठीक है, अदरवाइज बहुत सारा मोनोटोनस हो जाता है सारी चीजें. क्या हो जाती है? मोनोटोनस, राइट? यस. चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े एवरीवन. ओके सर, बिल्कुल सर, जा सकते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यस. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय क्या था वो? कमर्शियल पेपर्स, सीपीज कहते हैं उसको, सीपीज, कमर्शियल पेपर्स. कमर्शियल पेपर मतलब होता है वो एक प्रोमिसरी नोट जैसे होता है जो कि अनसिक्योर्ड होता है. वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे भी है जो कि अनसिक्योर्ड है. वो इशू होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स उसको इशू करते हैं 1 लाख एंड उसके मल्टीपल्स में. 1 लाख एंड उसके मल्टीपल्स में वो लोग इशू करते हैं. ठीक है, एक मिनट मैं आपको लेकर चलता हूं वहां पर कमर्शियल पेपर्स पर. ठीक है, सीपीज कहते हैं उसको. क्या कहते हैं? सीपीज. ये देखना बेटा, कमर्शियल पेपर्स क्या है? कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट ऑफ लार्ज फर्म्स यूजुअली इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 लाख or more, having an interest rate somewhat below the prime lending of a commercial bank. ठीक है, ठीक है, yes. So क्या आपको पता चल रहा है बेटा? क्या आपको पता चल रहा है? What do you mean by commercial papers over here? जी हाँ, yes sir, पता चल गई हूँ sir. चलिए मैं आपको आपको जो हम लोगों ने किया उसको थोड़ा सा रूबरू करवाता हूँ यहाँ पर. टिक मार्क करवाकर, ठीक है, देखो बच्चा पार्टी, हम लोगों ने ना कुछ अलग नहीं किया, जो तुम्हारे बुक में ना वही कर रहे हैं हम लोग. तुमको ऐसे खामखा ऐसे टेंशन मत आने दो बेटा. एजेंट मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब भी वही है जो अपने बिहाफ पर बाइंग एंड सेलिंग करता है. ब्रोकरेज फर्म में एजेंट्स होते हैं जो अपने बिहाफ पर, क्लाइंट के बिहाफ पर बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय अमोर्टाइजेशन? अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इनटेंजिबल्स पर, इनटेंजिबल्स पर क्या होता है? इनटेंजिबल्स पर आप लोगों को क्या कर रहे हैं? Depreciation, ठीक है, depreciation, right? Annuity due at the beginning of the each period, annuity at the end of the fixed intervals में होता है, at the end. Appreciation, बेटा appreciation मतलब तुम्हारे fixed assets की value increase हो रही है, उसको appreciation कहेंगे. जी हाँ. Arbitrage मतलब simultaneous sell and simultaneous purchase in the two different market, in the two different market is known as arbitrage, ठीक है. तो बेटा asset तो मैं समझाने नहीं वाला हूँ, ठीक है. तो एसेट तो बेटा तुम्हारा होमवर्क है, अगर नहीं आता है तो गिव इट अ सेकंड थॉट फॉर अ सीए. ठीक है, एसेट मैं नहीं समझाऊंगा, करंट एसेट मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, फिक्स्ड एसेट मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, इंटेंजिबल एसेट मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा. हाँ, ये बैलेंस शीट, बैड डेट्स मैं बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूं. बॉन्ड मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, बॉन्ड मैंने ऑलरेडी करवाया है. बॉन्ड मतलब क्या है? बॉन्ड मतलब ये गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है, ये एक डेट होता है जो कि फ्यूचर में पेएबल होता है. ठीक है, यस. तो आपको समझ में आया? एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? जी हाँ सर. आस्क मतलब क्या होता है बेटा? आस्क, देखो, बिड मतलब बाय, बिड मतलब बाय प्राइस, आस्क मतलब सेल प्राइस. बिड मतलब बाय प्राइस,
आस्क मुझे सेल प्राइस, आस्क का दूसरा नाम ऑफर भी होता है, ठीक है। सो बेड का मतलब भी समझ लेना, आस्क का मतलब भी समझ लेना, ठीक है। समझ में आवी क्यों एवरीवन? पक्का पक्का, ओके, वेरी वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट मतलब तुम लोग चेकिंग कर रहे हो, केयरफुल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू वेरीफाई देयर एक्यूरेसी। Careful review of financial records of an organization to verify their accuracy, it is known as audit. ठीक है, तो ये देख लो ना बेटा audit यहाँ पर। Careful review of the financial records, ठीक है। Book value म्हणजे what? Book value मतलब assets minus liabilities, asset minus liabilities, ठीक है, उसको हम लोग book value कहते हैं। Assets माइनस लाइबिलिटी, उसको हम लोग बुक वैल्यू कहते हैं। समझा गया एवरीवन ओवर हियर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है बच्चा बाटी, मजा आ रहा है क्या? सच्ची सच्ची बताना, मैं बोल रहा हूं आपको ये चैप्टर इतना आसान बना दूंगा, मुझे आप लोग सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दो, एक हफ्ते में मैं आपको पूरा पूरा ये जबरदस्त तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। जस्ट वन वीक, जस्ट वन वीक एंड यू विल बी थ्रू विद दिस चैप्टर। ब्रेक इवन पॉइंट म्हणजे क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस, no profit no loss is known as break even point man. What do you mean by budget? Budget future के expenditure की detail planning करनी, उसको budget कहते हैं। Future के expenditure की detail की planning करनी, उसको हम लोग budget कहते हैं, जो कि हम लोग quantitative term पे define करते हैं, ठीक है। Okay, समझ में आ भी गई हूँ? समझ में आ भी गई हूँ? Yes, bear का मतलब तो बेटा समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है, भालू, भालू, ठीक है। यस, बेस प्राइस मतलब क्या? बेस प्राइस मतलब जब मार्केट शुरू होता है, तो मार्केट जब शुरू होता है तब उसकी जो स्टार्टिंग की प्राइस होती है ना 9:15 की, उसको हम लोग बेस प्राइस बोलेंगे। बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिंग डे जो प्राइस रहेंगे उसको हम लोग बेस प्राइस मानेंगे उस दिन का। बास्केट ट्रेडिंग मतलब मैंने बोल दिया आपको कि बल्क में बाय करना, बल्क में सेल करना है, ठीक है। सो ट्रेडिंग फैसिलिटी जहां पर आप लोग एक साथ 30 स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब स्टॉक्स, या फिर कितने भी, नॉट ओनली 30 बट कितने भी स्टॉक्स तुम लोग बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, उसको हम लोग बास्केट ट्रेडिंग कहते हैं। जी हाँ, बास्केट ट्रेडिंग उसको हम लोग कहते हैं। डन डना डन। बियर मार्केट मतलब क्या? बियर मार्केट मतलब क्या? स्टॉक प्राइजेस आर फॉलिंग कंसिस्टेंटली, स्टॉक प्राइजेस आर फॉलिंग कंसिस्टेंटली, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बियर मार्केट कहते हैं, बियर मार्केट। ब्लू चिप को मैंने करवा दिया है, यस, ब्लू चिप को मैंने करवा दिया है। बिड मतलब मैंने बोल दिया आपको बाय प्राइस। ब्रोकरेज फर्म मतलब मैंने बोल दिया एंजल बिज ब्रोकर, एंजल, जीरोदा, शेर खान, ये कौन है? ब्रोकर ही तो है। बुल मार्केट मैंने आपको बता दिया है, यस, जहां पर स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है। बिजनेस डेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मंडे से फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी एंड पब्लिक हॉलीडे भी छुट्टी। बोनस मतलब मैंने देखो यहाँ पर बोला था आपको रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एडिशनल वेल्थ टू द शेयर होल्डर्स। मैंने बोला शेयर होल्डर्स को कुछ फुकट पे कुछ नहीं मिल रहा है, इट डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट द एडिशनल वेल्थ टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है, देखना यहाँ पर। समझा क्या एवरीवन? क्या तुमको समझ में आ रहा है? बोलिए ना बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? यस सर, समझ में आ गई सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से, राइट? यस। सो ब्रोकरेज भी हम लोगों ने देखा था, जी हाँ सर, ब्रोकरेज भी हम लोगों ने देखा था। ब्रोकरेज मतलब कमीशन है जो चार्ज करते हैं हमारे ब्रोकर भैया, ठीक है। बुल मतलब हो गया यार, बुल मतलब, ठीक है। बुक क्लोजर क्या होता है? देखो बेटा, कंपनी डिविडेंड को अनाउंस कर रही है, लेकिन कंपनी कहती है, सपोज मैं बोल रहा हूं कि कंपनी ने कहा अगर 30 तारीख तक अगर कोई लोग हमारी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं तो उसको हम लोग यहां पर डिविडेंड देंगे, अदरवाइज नहीं। तो 30 तारीख उन्होंने फिक्स की, वो 30 तारीख क्या है? बुक क्लोजर डेट। उस दिन देखते हैं कौन कौन है एलिजिबल, उसको वो लोग देने वाले हैं, ठीक है, उसको वो लोग बुक क्लोजर डेट कहते हैं। समझ में आ गई? कंजूस बच्चों, लाइक करो, तुम लोग लाइक वाइक नहीं करते यार, मजाक कर रहे हो तुम लोग। मैं इतने दिल से पढ़ा रहा हूं तुमको और आप लोग हो कि लाइक वाइक नहीं करते हो, खमन, फटाफट। बायर बनजे क्या? बायर मतलब जो ऑर्डर प्लेस किया है, ट्रेडिंग मेंबर हुआ प्लेस द ऑर्डर, ट्रेडिंग मेंबर जिसने ऑर्डर प्लेस किया है फॉर द परचेस ऑफ द सिक्योरिटीज, राइट। बिजनेस रिस्क मतलब क्या? रिस्क इनहेरेंट,
अरे कोई भी बिजनेस में कुछ रिस्क तो होता ही है, इनहेरेंट रिस्क तो होती ही है, उसको हम लोग बिजनेस रिस्क कहते हैं। यस अकेस अकेस आगे देखिए बेटा, अभी मैं आपको रैंडमली कुछ बता रहा हूँ, पहले रैंडमली मतलब मैं पूरा की पूरा करवाने रहा हूँ, उसकी चिंता आप लोग मत करना। मैं जो छोटा है, अभी टाइम कम है अपने पास, जो छोटे छोटे डेफिनेशन है उसको बता रहा हूँ, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस मतलब क्या? क्लोजिंग प्राइस मतलब 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। हाँ सर, तो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज हुआ, उस टाइम पर जो प्राइस थी उसको हम लोग क्लोजिंग प्राइस कहने वाले हैं, ठीक है। ट्रेड प्राइस एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, ट्रेड प्राइस एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, ठीक है। यस थाई गयो, यस यस ओके, समझ में आ भी गई बच्चा पार्टी। ओके तो यहां पर देखना है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, तो रुक जाओ, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज से पहले तुमको कुछ होमवर्क देता हूं मैं। होमवर्क बेटा, मैं आपको क्रेडिटर्स के बारे में नहीं समझाऊंगा, मैं आपको डेटर्स के बारे में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर इट, चाहे तुम लोग उसके लिए मुझे हेट भी क्यों ना करो, ठीक है। अरे यार, डेटर्स और क्रेडिटर्स को समझाना तो अंशुल सर मेरे को डांटेंगे यार। सर मतलब इनको इतना भी नहीं पता है क्या डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है? इन्होंने तो छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सी है रूही साकेल, हाउ आर यू रूही, हाउ आर यू डूइंग? बचा बाटी हमारी पुरानी स्टूडेंट है रूही, रूही जी इज आर ओल्ड स्टूडेंट। कैसे हो बेटा? आई होप दैट यू आर डूइंग गुड, राइट। डिप्रिसिएशन होमवर्क है, होमवर्क। यस डिविडेंड बेटा मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, देखिए डिविडेंड मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जी हाँ करवा दिया है। हेज मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, जी हाँ हेज भी मैंने करवा दिया है। ये देखना, हेज के बारे में लिखा गया है, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। यस आई एम गुड सर, ओके। कैसे चल रही है तुम्हारी क्लासेस? इंटर ना, राइट, इंटर में हो ना बेटा? आई होप दैट आप एकदम 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 ठीक हो, मैं ऐसे अपेक्षा करता हूं, ठीक है। यस तो यहां पर हम लोग एवरीवन, यस बेटा 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 मैं आ गया ऑफिस से, ठीक है। डोंट वरी एट ऑल, आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम बट आई एम बैक, आई एम बैक अगेन, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, मुझे ऐसे लगता है कि आज हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है। वी विल स्टॉप हियर टुडे, बहुत सारे हम लोगों ने डेफिनेशंस देख लिए। टुमारो वन मोर डे फॉर फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज, फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज को एकदम दिमाग में बाय हार्ट कर लेंगे, हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल अच्छे से समझ लेंगे। कल तुम्हारा फाइनेंस एब्सोल्युटली रेडी रहेगा, तुम्हारे आंखों के सामने एकदम दिमाग में फाइनेंस फिट हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमने नहीं देखा है तो प्लीज आज देख लेना रिकॉर्डेड, जो भी बच्चे तुम्हारे फ्रेंड्स रहेंगे उनको भेज देना, उनको बोलना कि अखिल भैया का वादा है कि चैप्टर नंबर 6 बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, तुम अखिल भैया के लेक्चर्स देखो, इसको छोड़ो मत, तुम्हारे एक हफ्ते में यहाँ पर पूरा अच्छे से कर दूंगा मैं, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, ठीक है। कौन ऐसा टीचर जो गारंटी दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो यस कल 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 लेकिन सेशन को अटेंड करना है, कोई भी हालत में अटेंड करना है। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, धन्यवाद बच्चा पार्टी। जाने से पहले लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे, आप आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है अनअकैडमी पे तो वो बिल्कुल ले सकता है। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड DAGA10, DAGA10 इज द कोड, DAGA10, इस कोड को लगाइएगा और आप लोग यहाँ पर पा सकते हो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस, राइट। यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर प्लस क्लासेस। आइकॉनिक के भी प्राइजेस तुम्हारे सामने है यहाँ पर, आप लोग देखना। लाइट के भी प्राइजेस तुम्हारे सामने है, लाइट इज ओनली एंड ओनली फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो प्लस के प्राइसिंग डिटेल्स तुम्हारे सामने है, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के। आइकॉनिक के प्राइसेस तुम्हारे सामने 52 200, 31 500 एंड 22 500। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस देखना तुम्हारे सामने, यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल है। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज गो फॉर दिस। RTP MT भी बैचेस शुरू होने वाली है अगले महीने में गाइस, सो यस डेफिनेटली इट इज वर्थ इट, आई वुड से दैट प्लस इज मस्ट। If you want to take the subscription, go and apply the code DAGA10 and get the maximum possible discount and just get started with your classes, right?
थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू टुमारो शार्प एट 10 AM.